गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं बीके सिंह एक बार फिर आप लोग के सामने एक नए चीज के साथ। और जैसा कि आज हम लोग बात करते हैं वर्ब के बारे में, अगर इसी का अगर वर्जन बोला जाए तो इसका एडवांस वर्जन हम बोल सकते हैं कि एन एक्शन इज कॉल्ड मेन वर्ब। यानी जितने भी एक्शन है उसे हम मेन वर्ब कहेंगे। यानी वर्ब का मतलब क्रिया होता है, उसी का एक एडवांस वर्जन हम बोल सकते हैं कि एन एक्शन इज कॉल्ड मेन वर्ब। जैसे ये मार्कर ऐसे फेंक रहा है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, वो यह सोचेगा कि सर जो है वो स्टाइल मार रहा है, एक्शन दिखला रहा है, और ये फेंकना क्या है, नाउन है कि वर्ब है, वर्ब है। यानी जितने भी एक्शन है सर वो सब के सब मेन वर्ब है, वर्ब है। जैसे अगर बोला जाए कि मैं ऐसे पंच मारा, ये पंच मारना क्या है, वर्ब है। अगर मैं ऐसे दौड़ा तो ये एक्शन है, और एवरी एक्शन इज कॉल्ड मेन वर्ब। और जो आज हमें ये जानना है कि एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ अ स्पीच में जो हम लोग पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि वर्ब, और वर्ब में जो हमें पार्ट्स ऑफ अ स्पीच में जो वर्ब पढ़ा जाता है सर, पहले नंबर ये समझिएगा V1, V2, V3, V4 और V5। ये वर्ब के पांच प्ररूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5, जिसमें V2 से मुझे कोई मतलब नहीं है, नहीं V5 से मतलब है, नहीं V2 से मतलब है, मुझे मतलब है V1, V4 और V3। और इसी से जो चैप्टर निकला है उसे हम वर्ब कहते हैं। एक्चुअल में जो हम लोग वर्ब पढ़ते हैं वो वर्ब नहीं है, वो वर्ब नहीं है, वर्ब बेवफा है। वर्ब क्या है, बेवफा है। क्यों, क्योंकि वर्ब में जो हम लोग जानकारी लेते हैं वो जानकारी लेते हैं इन्फिनिटिव, उसके बाद होता है वेयर इन्फिनिटिव, उसके बाद हम लोग जो पढ़ते हैं वो जीरंड पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वो पार्टिसिपल पढ़ते हैं। और ये चाहे वो इन्फिनिटिव हो या वेयर इन्फिनिटिव हो, जीरंड हो या पार्टिसिपल हो, ये वर्ब नहीं है, ये बेवफा है। यानी जिसे आप अपना समझ रहे हैं, मान लीजिए मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूं, मुझे ये लगता है कि नहीं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, तो ये मेरी गलत फहमी है। बस मुझे ये समझना है कि कब वो मेरी है और कब मुझसे वो बेवफा है, वो सेम चीज ये है वर्ब। और वर्ब में सर ये चल नहीं रहा है, वो वर्ब में जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों वो वर्ब एक्चुअली वर्ब नहीं, वर्ब बेवफा है। क्यों, क्योंकि मुझे ये समझना चाहिए कि अगर हम ये लिखे टीचिंग इज माय हॉबी, समझना है टीचिंग इज माय हॉबी, यानी पढ़ाना मेरा शौक है। यहां पर थोड़ा देर के लिए ये समझिए, जैसे राम इज गोइंग टू पटना या आई एम गोइंग टू पटना, इसमें राम जो है वो नाउन है और आई जो है वो प्रोनाउन है, और ये जो है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन और प्रोनाउन होता है। जैसे आई लव यू, यहां पर यू क्या है, प्रोनाउन है, या आई लव रानी, यहां पर रानी क्या है, नाउन है, और ये जो पोजिशन होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, या तो वो नाउन या प्रोनाउन होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ टीचिंग लिख रहे हैं, यानी टीच में क्या लगाया, मैंने आईएनजी लगाया और उसे रख दिया सब्जेक्ट के स्थान पर, और काम ले रहे किसका, नाउन और प्रोनाउन का, वह क्या कहलाएगा, जीरंड कहलाएगा। यानी जीरंड है क्या, जीरंड ये है कि किसी भी विवरण में आईएनजी लगाकर उसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखकर, जैसे आई कीप टीचिंग, तो मुझे यह समझना है कि आई सब्जेक्ट है सर, यहां V1 और V5 ये मेन वर्ब है, और यहां पर टीचिंग जो है ये ऑब्जेक्ट है, या और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होगा वो नाउन और प्रोनाउन होगा। यानी यहां पर टीचिंग जो है वो आ रहा है सब्जेक्ट के स्थान पर, लेकिन काम कर रहा है किसके जैसा, नाउन और प्रोनाउन के जैसा।
वो सेम सीज व्हेनेवर वी टॉक अबाउट, अगर यहां ये जो टीचिंग जो है ये आ रहा है किसके जगह पे, ऑब्जेक्ट के जगह पे, और काम कर रहा है किसका, नाउन और प्रोनाउन का, यानी हम बोल सकते हैं कि वर्ब वर्ब नहीं है, वर्ब जो है वो बेवफा है। सर ये यहां से होगा, चलिए दोस्तों वापस आते हैं। यानी यानी यहां से मुझे एक चीज क्लियर हो गया कि नहीं सर वो गड़बड़ है, यानी एक चीज क्लियर हो गया कि वर्ब वर्ब नहीं है, वर्ब बेवफा है। यानी जिस जिरंड के बारे में बोल रहे हो, एक लड़का ने मुझसे पूछा कि सर आई एम लविंग यू क्या मैं लिख सकता हूं, तो मैंने यही बोला कि लव यहां पर क्या है, वर्ब का चौथा रूप है जो काम कर रहा है मेन वर्ब के रूप में, किसके रूप में, मेन वर्ब के रूप में, और लव वर्ब ऑफ परसेप्शन है, इसका बिफोर संभव नहीं है। तो उसने मुझे ये बोला कि सर मैं लव का लविंग देखा हूं, मैंने यही जवाब दिया कि आप ऐसे ऐसे देखे होंगे बाबू, लविंग इज नॉट गुड फॉर अस इन अ स्टूडेंट लाइफ। यानी यहां पर लविंग जो है ये क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पर है, और ये काम कर रहा है किसके जैसा, नाउन और प्रोनाउन के जैसा, लेकिन ये काम कर रहा है किसके जैसा, वर्ब के जैसा, यानी ये बेवफाई, क्योंकि इसे आप मेन वर्ब समझ रहे हो, जबकि ये मेन वर्ब है नहीं, ये तो बेवफा है, ये काम कर रहा है किसके जैसा, नाउन और प्रोनाउन के जैसा, जबकि ये क्या है, ये मेन वर्ब है। यानी ये नहीं होगा, अगर इसे अगर हम बोले कि सही क्या होगा, तो आई एम लविंग नहीं, आई एम लविंग यू नहीं, आई लव यू, बट यहां जो है लविंग इज गुड फॉर अस, ये सही होगा, या लविंग इज नॉट गुड फॉर अस, ये भी सही होगा, क्योंकि ये काम कर रहा है किसके जैसा, नाउन और प्रोनाउन के जैसा। दोस्तों एक्चुअली ये वीडियो में आज मैंने ये समझाने का कोशिश किया कि वर्ब एक्चुअली नहीं, वर्ब वर्ब नहीं है, वर्ब क्या है, बेवफा है, जो काम करता है नाउन और प्रोनाउन के जैसा, और उसी बेवफाई को मुझे रीड करना है, और उसी को अगर रीड कर गए तो मुझे समझ में आएगा कि वर्ब क्या है। तो आज मुझे ये पता चला कि जिरंड एक्चुअली मेन वर्ब नहीं है, ये काम करता है नाउन और प्रोनाउन के जैसा। ठीक उसी तरह इन्फिनिटिव जो है, जैसे अगर मैं बोलूं कि टू वॉक इज गुड फॉर अस, इसमें अगर ठीक उसी तरह बोले तो वाक क्या है, वी1 है, यहां लगा क्या है, टू है, यानी ये रखा जा रहा है किसके जगह, सब्जेक्ट के जगह स्थान पे, और काम लिया जा रहा है नाउन और प्रोनाउन के जैसा, उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं, लेकिन इन्फिनिटिव के बारे में कल विस्तार से बताएंगे। एक्चुअल वर्ब क्या है, लगभग 2 से 3 क्लास लगेगा, समझ में आएगा। आज बस मैं ये बताने का प्रयास किया हूं कि जिरंड जो है, ये जो वर्ब कहते हैं, पहले वर्ब वर्ब नहीं है, वर्ब क्या है, बेवफा है, बिकॉज काम करता है या तो नाउन और प्रोनाउन का, क्योंकि जिस जी या एडजेक्टिव का, क्योंकि वर्ब में आपका इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल आता है, ये 3 चीज आता है। जिरंड क्लियर हो गया कि आईएनजी लगाकर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर इससे काम लेते हैं, नाउन और प्रोनाउन का, वह जिरंड कहलाता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इन्फिनिटिव का।